वेलकम बैक गाइस आवर यूट्यूब चैनल। तो ये अंकल जी का एक्सीडेंट हो रखा है, हम धारी देवी आए थे, मैं आयुष्मान मोई। तो ये अंकल जी का एक्सीडेंट हो रखा है, तो शायद स्कूटी स्लिप हो रखी हो गई थी तो ये गिर गए थे। मैंने कहा याद नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। बुढ़ापे में याददाश्त थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, अंकल जी को याद भी नहीं आ रहा है। और ये देख रहे हैं थोड़ा आगे हुआ है, तो वो तो अच्छा लोग चल रहे थे, हेल्प के इनकी साइड में बिठा दिया, स्कूल रख दी। और शायद ये SDM में है, ये पता नहीं किस जगह के SDM है, तो इन्होंने भी थोड़ा हेल्प की है। चलो मैम हम चलते हैं, चले जाएंगे हॉस्पिटल, है ना अंकल। भैया जी किसी घड़ी और चश्मा में किट में डालो, आप लोग धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी चाहिए, आप चलिए। चल यार हम भी चलते हैं, क्या करना है। टाइम क्या हुआ रे, टाइम क्या हुआ, एक स्कूटी नहीं वो लगी बल किसी के, भाई लगी हुई है वो किसी के। अभी सपोज कर मेरी गाड़ी किसी से टकराती है तो गिरेगी तो ही, तो आराम से आ रहा होगा बुड्ढा, वो लगी होगी किसी के, तुझे पता ही है बुड्ढा है भाई, गिराएगा ही। कहाँ काटी है अबे, तो भाई वो उधर काट रहा होगा तो भयंकर गिरेगी, तो कहीं भी गिर सकती है, उधर चल रहा होगा तो मारने वाला तो इधर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, गलती हो सकती है, कुछ पता नहीं। तैयारी नहीं है वो बोल रहे, मैं अपनी स्कूटी लेके जाऊंगा। किसी की बात नहीं सुन रहे हो, किसी की नहीं, बड़ी मुश्किल से लेके जा रहे हैं उन्हें जी, नहीं वो बोल जा रहे हैं। इनके चक्कर में मैं भी गिर गया था वहाँ पे भयंकर, ये देखने के चक्कर में मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया भयंकर, वहाँ पे गड्ढा था भयंकर इतना बड़ा ना। अभी याद नहीं होता भाई बुढ़ापे में, मैं भूल तो रहा हूँ बुढ़ापे।
बोला वो कर रहे हैं ना, मैं एमआईसी से छुड़वाई थी कि वो फिर आगे कर रहे हैं, वो जाना नहीं चाह रहे हैं। उनकी स्कूटी ये छुड़वा दो शादी से, क्योंकि मैंने इसका नंबर तो आपको दे दीजिए, मुझे बता देना क्या होगा, और फिर उनको एमआईसी की नगर भेज देना जो आपके आएंगे ना खंडे वाले, वहीं से बयान व्यान जो लेना है वहाँ कर लीजिएगा। लोकल के सीमा समाज का बोर्ड अभी आपका नहीं आया, मूलिया गांव से थोड़ा आ गया ना, ये यहाँ पर प्याज मिलते हैं। पुल पार करते ही एस डी एम मैम ने थाने में इन्फॉर्म कर दिया है, शायद इनकी स्कूटी लेने आ रहे हैं और इन्हें हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं श्रीनगर, और इनका इलाज हो जाए और गाड़ी पुलिस वाले लेके जाएंगे थाने में रखेंगे, जब इनके फैमिली वाले आएंगे तो उनको हैंड ओवर दे देंगे। हुआ तो ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, छोटा एक्सीडेंट है पर हल्का फुल्का हुआ है, शायद स्कूटी खुद ब खुद गिरी है, किसी के लग के गिरी है, पता नहीं चल पाया अभी तो। अंकल जी की एज भी हो गई है तो उन्हें याद भी नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ, उन्हें यही याद नहीं है कि वो स्कूटी पे आए थे कि कैसे आए थे। चल भाई इसी के साथ हम निकल गए देख रहे हैं से रिस्के जाएंगे, रिस्के से देहरादून जाएंगे इस हिसाब से, इस ऑल वेदर रोड पे गाड़ी चलाने में मज़ा भी आता है पर थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि बहुत सारे बाहर के ड्राइवर आते हैं जिनको पता नहीं है, वो भाई साहब गाड़ी उल्टी सीधी काटते हैं, कुछ पता तो रहता नहीं उन लोगों को। इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलें।